हमारे प्यारे किसान भाइयों, राम राम, नमस्कार। मैं आपका छोटा भाई जावेद। आज का ऑफर YouTube चैनल से। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी का बटन अवश्य दबाएं ताकि आने वाला अपडेट आप तक पहुंचता रहे। आज 31 मार्च 2023 दिन शुक्रवार रात में मौसम ख़राब हुआ और बूंदाबांदी हो चुकी है। फिलहाल आज इस समय तो धूप निकली है, लेकिन रात में थोड़ा मौसम ज़्यादा ख़राब हो गया। पूरा अपडेट देखें, लास्ट तक देखें भाई। भाइयों, मैं आपको एक जानकारी एक दे दूं कि आज पूरे मंडी में न्यू हॉलैंड मुझे कहीं पे नहीं दिखा। फिलहाल मेरी अपडेट बनाने तक हो सकता है मैं मंडी से जाऊं, उसके बाद कोई टाली वगैरह आ जाए तो बात अलग है। फिलहाल अपडेट बनाने तक कोई न्यू हॉलैंड की टाली आज मंडी में नहीं आई। फिलहाल देखिए हमारे प्यारे किसान भाइयों, मैं अब आपको दिखाता हूँ ख्याति आलू है। बहुत अधिक चेचक आलू के अंदर लगी है। फिलहाल आलू छट्टा है और कलर का भी अच्छा है, लेकिन जो है दिक्कत यही है सिर्फ, उसके अंदर चेचक काफ़ी है। इधर हमारे साथ हमारे किसान हैं, लेते हैं कुछ जानकारी इनसे। बाहर आ जाना, थोड़ा बाहर आ जाना। शुभ नाम बता देना अपना। नाम केसरम, बरा केसर। बरा केसर, किस गांव से हो? बरा केसर। बरा केसर मोहम्मदाबाद के पास? हाँ। अच्छा अच्छा, कितने दिन का डंप बताइए? ये लगभग होली से पहले खुदा हुआ। होली से पहले का? अच्छा, अब तो खुदाई समाप्त है बिल्कुल। आखिर बिल्कुल खुदाई नहीं रही होगी ना। क्या रेट बिकाइए आज आलू आपका? 441। 441 रुपये क्विंटल। अच्छा, डंप वगैरह कैसे लगे हैं आपके क्षेत्र में? डंप हमारे यहाँ लगभग 3-5% वाणी से अभी बाकी है। अभी बाकी। अच्छा, आपके आपके पास डंप है? हाँ, हमारे पास होगा लगभग 4 रुपये के। अच्छा अच्छा, तो पन्नी वगैरह तो नहीं लगाई उस पर? हाँ जी, हरी पन्नी तो नहीं लगाई उस पर? नहीं, हरी पन्नी मत लगाइएगा क्योंकि हरी से हुआ है। हाँ, अच्छा अच्छा, बिल्कुल ठीक है, बढ़िया बात है। क्योंकि हरी पन्नी से वो आलू जो है डिफेक्ट हो जाता है, गलत हो जाता है। कुछ किसान भाई गलती कर देते हैं जल्दबाजी में, जो है हरी पन्नी ले आते हैं। ठीक ठीक, धन्यवाद। देखिए हमारे प्यारे किसान भाई, मैं आपको दिखाता हूँ ख्याति आलू है, साउथ क्वालिटी भाई। छट्टा बिल्कुल, रंग का अच्छा है और इसके अंदर कोई चेचक वगैरह की कोई शिकायत नहीं है। नंबर एक क्वालिटी आलू भाई। इधर हमारे साथ किसान है, लेते कुछ जानकारी इनसे। शुभ नाम बता देना। पंकज जी, किस गांव से हो? बेतुपुर में। ये याकूबगंज के पास है? हाँ, के पास। अच्छा, क्या हुआ बिका ये आलू? 600 है। कब का गुदा है ये? होली से पहले खोल लिया था। होली से पहले खोल लिया था? अच्छा, क्या टाली ले आया? एक है। हमारे साथ आलू आरती राजेश जी हैं, लेते हैं कुछ जानकारी। भैया राम राम। राम 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 राम। कैसे ये क्या रेट बिका आलू? ये 601 रुपये। 601 रुपये? हाँ, 601। अच्छा, और कैसे बिक रहे हैं? 550 में बिके। अच्छा, 461 रुपये बेचे। 461 वाला किधर लगा? ये बोतल गया। अच्छा, पैकेट लग गया बिल्कुल। अच्छा, कैसी लिवाली है यार? लिवाली अच्छे आलू की, अच्छे भाव है। अच्छा, रुपये पौने 600-650 ऐसी हो सकती है। जी जी, हल्के में 450-400। अच्छा, एवरेज क्वालिटी किस रेट चल रही है? एवरेज कुछ होते ही नहीं है। अच्छा अच्छा, आलू बहुत अंतर से बिकता है। जी जी जी, 500 में भी बिक रहा, 600 में भी बिक रहा, 600 में भी, 800 में भी बिक रहा, 300 में बिक रहा, मतलब जो ठीक ठाक आलू। अच्छे आलू के, अच्छी क्वालिटी के आलू हैं वो 550-600 की रेंज है एवरेज। जी जी, हल्के में 450 की एवरेज है। अच्छा, 450 पौने 500। जी, 450 ऐसे। जी जी, ये है। आज आमदनी काफ़ी कम हो गई कल से? आमदनी है, थोड़ा बूंदाबांदी हो गई इसलिए आइडिया नहीं लग रहा। हाँ। हमारे प्यारे किसान भाई, मैं आपको दिखाता हूँ पुखराज आलू है, मीडियम गिलास भाई। थोड़ी बहुत इसके अंदर चेचक की शिकायत है, ये देखिए भाई। हो गया
इधर हमारे साथ किसान है, कुछ लेते हैं जानकारी इनसे। शुभ नाम बता दीजिए अपना, नाम बता दीजिए अपना। तो हमारे व्यापारी विनोद राजपूत, हमारा बना वीडियो। विनोद राजपूत जी, अच्छे अच्छे अच्छे। किस गांव से आप? रामपुर डफरपुर। ये तहसील के नीचे है। अच्छा अच्छा अच्छा। क्या रेट लिया, क्या रेट बिका आपका आलू? जी 521 रुपया। 521 मीडियम क्लास हो गया थोड़ा आलू। आलू में मोटाई अच्छी होती तो थोड़े और अच्छे रेट मिल जाते हैं। मीडियम है। कितने आलू? 600 तक बिक रहा है। 600 तक बिक रहा ना। कितने दिन पहले खुदा होता है ये आलू? ये खुदाई हुई थी सर एक हफ्ता पहले। दम किस तरह का से लगे हैं अभी? अभी किसान भाई दम भी निकाल रहा है ना अभी आलू। मतलब पिछली साल से अधिक है आपके क्षेत्र में या कम है या डंप? नहीं, पिछली साल से कुछ हल्का निकला। नहीं, और किसान भाइयों के डंप जो हैं किस तरीके से लगे हैं? अच्छा, डंपिंग? जी जी, डंपिंग डंपिंग तो अभी बहुत है सर। अच्छा अच्छा, डम वाली है। इधर हमारे साथ व्यापारी हैं जिन्होंने ये आलू लिया है, और दीपक भैया है हमारे पास। ये 521 रुपये में लिया है। अच्छा अच्छा अच्छा। कैसी एली वाली भैया? दीपक भैया दिवाली आज ज़्यादा मतलब वैसी नहीं है जो साउथ, मतलब कि वो तो आलू बिक रहे हैं। जी जी जी। और मतलब थोड़े उससे मीडियम आलू है, वो वैसे नॉर्मली तरीके से बिक रहे हैं। जी जी जी। ऊंचे में कैसे बिक रहे हैं? ऊंचे में तो 550-600 रुपये के आसपास आलू बिक रहा है। साउथ क्वालिटी आलू। हाँ, वैसे तो आलू ये 500 रुपये 450 रुपये बिक रहा है। अच्छा अच्छा। और जंग वगैरह आलू वाले भाई 450 रुपये के लमसम है। 450 के लमसम। थोड़े मीडियम है, अच्छे आलू है, वो 500 रुपये की रेंज में। अच्छा, साउथ क्वालिटी 550-600 रुपये की। अच्छा अच्छा अच्छा। राम राम भैया। राम राम हमारे। राम राम भैया। राम राम। और सब कुशल मंगल भैया? हाँ। दीपक भैया, आमदनी कितनी लग रही होगी आज? आमदनी ज़्यादा होगी 70 मोटर के आसपास। 70 मोटर नहीं होनी चाहिए, बहुत मंडी खाली। पीछे भी तो है ना, गल्ला मंडी होगी। गल्ला मंडी होगी। पानी आने गिर गया, मौसम खराब हो गया, तो उस वजह से जो है आमदनी में थोड़ा फर्क पड़ा। आलू भी नहीं लिया, दिवाली को भी देख रही है। जी जी जी। इधर हमारे व्यापारी हैं। आपका क्या नाम है? संतोष कुमार। कहाँ से हैं आप? बनारस। बनारस से। अच्छा, किस किस रेट में लिया आज आपने आलू? आज अच्छा अच्छा, दीपक भैया ने लाया। क्या गाड़ी बना रहा है रोज? एक गाड़ी। अच्छा अच्छा। एवरेज क्वालिटी या बढ़िया सुपर में? नहीं, एवरेज क्वालिटी। एवरेज क्वालिटी। प्यारे किसान भाइयों, आइए मिलते हैं हरि नारायण यादव जी से, आलू आड़ती सातनपुर मंडी फरुखाबाद। भैया नमस्कार। हाँ भैया, आपको भी नमस्कार किसान भाइयों। हरी भैया, आज कैसी दिवाली है आज? दिवाली तो शुक्रवार को देखते हुए। हाँ, दिवाली ठीक है, ज्यादा जैसे मौसम जो है जी जी हो रही है, इस हिसाब से जो है दिवाली होना चाहिए। जी जी, उस हिसाब से नहीं, ठीक है वैसे। डिमांड है। अच्छा अच्छा। कितनी आमदनी आप लगभग लग रही है आपको आज? अंदाजा नहीं लग पाता, जिस दिन बारिश हो जाती है उस दिन अंदाजा नहीं लगता है। सही, 50-55 मोटर की। 50-55। अच्छा अच्छा। कुछ आरती बता रहे थे 60-70 है, मतलब अपना अपना अनुमान होता है। अभी तो हाँ, देखिए सब बारिश का मौसम है, कोई फील्ड लगे, कोई पीछे लगे, कोई दुकानों लगे, कोई सही है। जी जी जी। हाँ, अंकलन यही, अंदाज यही है कि करीब 50-55 मोटर की आमदनी। अच्छा अच्छा अच्छा। ये गुल्ला क्या रेट बिकाइए? ये गुल्ला है ये 385 रुपये। ख्याति का है? GL55 भाई, हाइब्रिड है, हाइब्रिड क्वालिटी है। अच्छा अच्छा अच्छा। 385। हाँ, 385। और अच्छे में साउथ क्वालिटी किस तरीके से बिक रहा है? साउथ क्वालिटी बिक रहा है 600 रुपये, 621-625 रुपये तक। 621-625। तो बाज़ार में कोई तेज़ी तो आज है नहीं फिलहाल? कोई विशेष तेज़ी नहीं है, कल ही ज़्यादा डिमांड है। और जंग गीले वगैरह कैसे किस तरीके से बिक रहा है आज? आलू की रेंज आज बिक रहे 4 रुपये से लेकर 6.5 रुपये। 400 से 600, 625 600। अच्छा, न्यू हॉलैंड का बाजार आपने देखा आज कुछ? नहीं, न्यू हॉलैंड का भी नहीं देखा। अच्छा 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 अच्छा। अब तो अधिकतर डंप ही आ रहा है। हाँ, अब ज़्यादा अधिकतर डंप वाले आ रहे हैं। जी जी जी, जो भी आया डंप आ रहा है। डंप में कोई शिकायत देखने को मिल रही है अभी आपको? कोई व्यापारी कोई शिकायत निकाल के दे रहा? मौसम अच्छा है, आलू के अनुकूल है। जी 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 जी, हिसाब से चल रहा है मौसम का टेम्परेचर। कल थोड़ा बढ़ा तो आज रात में थोड़ी मौसम ख़राब हो गया टेम्परेचर बढ़ने से। आप लोग कहाँ से हो भाई? आप लोग
गणेशपुर से। शंकर भैया राम राम भैया। राम राम। और भैया सब कुशल मंगल। कैसे खरीदे आज? आज आलू खरीदे भैया लगा 4 से लेके 6.5 तक। 4 से 6.5 तक। अच्छा, बाजार कल जैसे ही है या कल से ऊपर नीचे? 50 रुपये के जी है। 50 रुपये की दे दी है। अच्छा ठीक है, धन्यवाद। आप लोग कहाँ से भैया? अच्छा अच्छा, आप तीनों लोग हैं। डंप वाले ही आलू निकालना है अभी किसान भाई हमारे? डंप वाले। हाँ, कौन सा आलू लाए थे? अच्छा ये आपका ही था, ये छट्टा में नहीं लाया आज? अच्छा 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 अच्छा, एक ट्राली है। क्या रेट बिकी है? 400 रुपये। 400 रुपये जंगीला होगा। अब तो कोल्ड की खरीदारी बिल्कुल बंद होगी, कोल्ड सब चालान ही चल रहा होगा। कोल्ड खरीदारी बंद है, सब चालान ही जा रहा है। जी जी जी, क्या लग रहा है कोल्ड कब से शुरू होंगे, मुहूर्त कब से होगा? तो बहुत देहात में भी बहुत ज़्यादा डंप डंप जब खत्म हुआ जी जी, उसके बाद अंकलन किया जाए क्या है कैसे। अभी तो मौसम आलू के लिए बहुत अनुकूल है, मौसम अनुकूल चल रहा है, किसान भाइयों का साथ दे रहा है मौसम आलू के हिसाब से। हाँ, टेम्परेचर बढ़ेगा तो आलू में शिकायत आ सकती है। आइए हमारे प्यारे किसान भाइयों, मैं आपको दिखाता हूँ 37-97 आलू है, नंबर एक क्वालिटी भाई, कलर का बहुत अच्छा है और साइज बहुत अच्छा है इस आलू के अंदर। अपडेट को पूरा देखें, लास्ट तक देखें। इधर हमारे साथ कुछ किसान भाई आएंगे, कुछ जानकारी लेते हैं इन लोगों से। किस गांव से हो आप लोग? अमृतपुर। अमृतपुर से? अच्छा अच्छा, शुभ नाम बता दो अपना। अनूप। अनूप जी, आपका भैया? राम लखन, दौलतियापुर। दौलतियापुर, आप भी अमृतपुर से? चलो कोई बात नहीं भाई। क्या रेट बिका आपका? 701 रुपये। 701। अच्छा, और नीचे में बिके होंगे कुछ? हाँ, 671। 671 बिकी एक ट्राली, और आपकी 701 बिकी है। आपकी कितने लगी ट्राली? सामने वो लगी। हाँ। क्या रेट बिकी? 701। आपका भी 701 बिका। अच्छा, कब का गुदा था ये आलू? जो परसों। परसों गुदा था। हाँ। कितनी गुदाई बाकी है अब क्षेत्र में आपका? खत्म हो गए बिल्कुल, लास्ट। अच्छा अच्छा अच्छा, डंप वगैरह लगे होंगे? डंप बिल्कुल नहीं है, मेरे इधर डंप नहीं लगता। अच्छा अच्छा, तो आज 701 बिका, कल लाए थे ट्राली? 701 रुपये में बिका। कल नहीं आए। कल नहीं आए थे? आप लाए थे कल ट्राली? कल क्या रेट बिका था? 651 रुपये। यही आलू था? नहीं, दूसरा था। अच्छा, नहीं कलर पानी में कैसा था कल? ये था वो गंदा मटीला था, थोड़ा मटीला था। अच्छा अच्छा, इतनी चमक ज़्यादा आएगी आलू में? कल 651 बिका था, आज ये 701 रुपये बिका। देखिए भाई किसान भाई, 701 रुपये प्रति कुंटल बिका है ऊपर में, और नीचे में भी कुछ ट्रालियाँ बिकी हैं, 671, 661, 81।